मैं शन्नू आजमी, संयोजक आदर्श मीडिया मंच। आज कैसा ज्ञापन सौंपा गया? आज ज्ञापन सौंपा गया है हमारे पड़ोसी जनपद आजमगढ़ में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपनी मनमानी से चला रहे हैं, जहां मरीजों का व्यापक पैमाने पर शोषण किया जा रहा है, जिसकी आवाज़ हमारे वरिष्ठ पत्रकार वहां पर एक हैं, अरविंद कुमार सिंह, शार्प रिपोर्टर, उनकी मैगजीन चलती है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई तो उसकी जाँच करने के बजाय वहाँ के प्रशासन तंत्र और पुलिस तंत्र ने मिलकर उस हॉस्पिटलों के खिलाफ जाँच न कर उन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन पर मुकदमा लाद दिया। और हम यही चाह रहे हैं, उनको हमने मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र दिया है उपजिलाधिकारी के माध्यम से कि उन जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उन सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं पर और वरिष्ठ पत्रकार पर, वो मुकदमा दर्ज वापस लिया जाए और उन जो मनमानी तौर से हॉस्पिटल चला रहे हैं उन पर, उन संचालकों पर गाइडलाइन के तहत मानक बने और उन पर उचित कार्रवाई।